फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्बस पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मैं यहाँ पर आपसे आईपैड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि सर ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आईपैड क्या है, किस लिए यूज होता है, आईपैड का आगे फर्दर क्या क्या, अपन आईपैड के थ्रू कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आईपैड में मैं आपको बताता हूँ। आईपैड से जैसे अपना गेट है, गेट हमारा, गेट से अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, गेट से अपन अपने PSUs में जा सकते हैं, IITs में M.Tech या MS या PhD कर सकते हैं। तो गेट को हमारा कौन गवर्न करता है, 7 IITs और ISC बेंगलोर। तो गेट हमारा गेटवे है किसके लिए, PSUs में जाने के लिए, डिफरेंट IITs में जाने के लिए, फॉर M.Tech, MS और PhD आप कह सकते हो, फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए। वैसे ही सेम कंसेप्ट एक नया आया है iPATE। iPATE से हम जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जितने भी MNCs हैं, आप लोगों ने बहुत सारे MNCs के नाम सुने होंगे, डिलॉयट हो गया आपका, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, जिसमें जाने के लिए जनरली क्या होता है, एक स्टूडेंट है, उसने B.Tech किया, ठीक है, B.Tech किया उसने, तो अगर आपने एक प्राइवेट कॉलेज, सपोज यू आर इन अ प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ पर आपकी प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो जनरली जो कंपनी से रिक्रूट करती हैं, वो मेजर रिक्रूटमेंट कौन सी कंपनीज होती हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ठीक है, ये कंपनीज मेजर रिक्रूटमेंट, और ये अपन को पैकेज कितने का प्रोवाइड कराती है, जनरली 3 to 4 lakhs। तो एवरेज पैकेज जो होता है वो हमारा 3 to 4 lakhs के बीच में होता है। तो एक स्टूडेंट का एक B.Tech किया है तो वो अब 3 to 4 lakh में उसको इनहैंड सैलरी कितनी आती है, 20 to 25,000, और ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, बेंगलोर जैसी सिटी में। तो बेंगलोर जैसी सिटी में 20 to 25,000 में रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो iPATE एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है जिसमें आप MNCs, जो MNCs प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाते, जैसे आप डिलॉयट की बात करें, डिलॉयट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो IITs में जाती है, और इसका पैकेज 15 to 20 lakhs का रहता है। तो अगर आपको इस पैकेज में जाना है तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी नहीं आएगी, तो आपको किसके थ्रू जा सकते हैं, आप iPATE के थ्रू इस टाइप की कंपनीज में आप जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनीज एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, JPCG, बहुत सारी कंपनीज है इसमें iPATE में जो एसोसिएटेड है iPATE के थ्रू, तो उन कोर कंपनीज का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारे प्राइवेट कॉलेज से नहीं होता है। तो एक बच्चे की, एक इलेक्ट्रिकल का बंदा है, उसको कहाँ पर जाना है कि मेरे को एनर्जी वाली कंपनी में जाना है, मेरे को पावर सिस्टम की कंपनीज में जाना है या मशीन की कंपनी में जाना है, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाता, क्योंकि मेजर रिक्रूटमेंट किस में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अब सॉफ्टवेयर की कंपनीज ही आती हैं, केवल कोर कंपनीज आती ही नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक बच्चा कोर कंपनी में कैसे जाए, जिसमें उसने B.Tech किया, उसी जो उसने पढ़ा है, कम से कम जो उसने 4 साल तक पढ़ा है, वो उसका यूटिलाइजेशन हो, तभी काम करने में आपको क्या आएगा, मजा आएगा। तो iPATE ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी डिजायर्ड MNC, जो भी आपने अपना 4 साल में पढ़ा है, जो भी आपका कोर फील्ड है, तो आप अपनी कोर फील्ड में MNC में जा सकते हैं। जैसे EC की बात करें तो VLSI की कंपनी जितनी भी हो गई, कोर कंपनीज VLSI की, सेमीकंडक्टर कंपनीज हो गई, कम्युनिकेशन की कंपनीज हो गई, ये सारी कंपनीज आपके प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में वही अपना जो मेजर रिक्रूटर है, इन्फोसिस, विप्रो, वो आती हैं। तो इन कंपनीज में अगर आपको जाना है तो आप iPATE के थ्रू जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है, और ये इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं। जैसा कि आपको PSUs वगैरह में पैकेज मिलते हैं, वही सेम पैकेज आपको iPATE के थ्रू भी मिल सकता है जस्ट आफ्टर द B.Tech, क्योंकि iPATE का जो उन्होंने रखा है फॉर्म की डेट, वो मार्च में रखी है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, जुलाई में, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में। तो जुलाई में आपका हो जाएगा, अगस्त सितंबर तक जिस जिस कंपनी को रिक्रूटमेंट करने होंगे वो iPATE के थ्रू कर लेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो आप ये मान लो जैसा गेट था हमारा एक एग्जाम, गेट इज गेटवे टू द IITs, PSUs फॉर M.Tech, PhD एंड PSUs, वैसे ही सिमिलर फॉर एन MNC, व्हेन अ स्टूडेंट वांट टू गो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, देन ही ओनली एंड ओनली ऑप्शन इज iPATE फॉर अ प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट। अदरवाइज फॉर IITs एंड IITs स्टूडेंट हैज ऑप्शन इन IITs एंड NITs, बहुत सारी जो कंपनीज हैं अच्छी, जो भी कंपनीज है वो सारी की सारी जाती हैं, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें, एक
जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस उनकी बात करें, वहां का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, वहां पर कंपनीज इतनी अच्छी नहीं आती है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, आईपैट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप एक एमएनसी में आप जा सकते हैं। ओके, तो आज मैं यहाँ पर आईपैड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आईपैड में क्या क्या पूछा जाता है। आईपैड में रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, आईपैड में थोड़ा सा आपका 11, 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाएगी, प्लस टेक्निकल। और टेक्निकल सिलेबस जो आईपैड ने रखा है वो सेम एज गेट सिलेबस। अब लेवल क्या रहता है, लेवल आप ये मान सकते हैं गेट से थोड़ा सा बिलो ही रहेगा, क्योंकि आईपैड हमारा गेटवे किससे है, एमएनसी में। तो एमएनसी में जाने के लिए थोड़ा सा रीजनिंग एप्टीट्यूड आपसे अच्छा पूछा जा सकता है, क्योंकि 50-50 है जो टेक्निकल आएगा आपका, वो कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का आएगा। तो टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों के लिए मैं आज यहाँ पर एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ, जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। अगर कंट्रोल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आईपैड की आप सिलेबस की बात करें, कंट्रोल दोनों ही ब्रांच, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों ही ब्रांच में क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो गेट हो, ईएस हो, सब में ही पूछ जाते हैं। तो कंट्रोल आईपैड में भी पूछा ही जाएगा। तो कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमारा क्या था, रूट लोकस। ठीक है, तो रूट लोकस से अपन स्टार्ट करते हैं कंट्रोल में। ओके, तो रूट लोकस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट लोकस क्या होता है, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि रूट लोकस आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है किसी भी सिस्टम की, 1+GSHS = 0, 1+GSHS = 0 होती है, यही हमारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो हमारा रूट का लोकस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हमारा रूट का लोकस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रूट लोकस। किसका लोकस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट का लोकस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1+GSHS = 0। अब सपोज मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जीएसएचएस हमारा क्या होता है, जीएसएचएस हमारा होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है, सपोज ये गिवन है के वाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ओके, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अगर हम अपने गेन के को वेरी करें, अगर हम अपने गेन के को वेरी करें कहां से, 0 से इन्फिनिटी तक, तो जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट आएंगे वही क्या कहलाता है, रूट लोकस। तो सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि रूट लोकस मेरा होता क्या है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट लोकस की बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट का लोकस यदि हम गेन के को वेरी करें कहां से कहां तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा जीएसएचएस अपन को दिया गया है कितना, के बाई एस इंटू एस प्लस 2। दिस इज माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, के बाई एस इंटू एस प्लस 2। एंड वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1+GSHS = 0। सो दिस इज वॉट, 1+KS into S + 2 = 0। ओके, सो दिस इज S² + 2S + K = 0। ओके, सो दिस इज अवर S² + 2S + K = 0। ओके, सो नाउ दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इफ आई वेरी द वैल्यू ऑफ द गेन के, अगर हम गेन के को वेरी करें तो हर बार इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे कि नहीं, तो उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं तो क्या बन जाएगा, रूट लोकस। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं तो S1 S2 कितना आएगा, -b - 2 +√b² 2² 4 - 4ac/2a। तो ये कितना आ जाएगा, -1 + -√, ये कितना आ जाएगा, -2, तो -1 + √1 - k। सो दिस इज अवर रूट्स, -1 + -√1 - k। तो हमारे रूट्स कितने आ गए हैं, S1 और S2 जो हमारे आए हैं वो कितने आए हैं, -1 + -√1 - k। सो दिस इज द रूट ऑफ अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम k = 0। इफ आई पुट k = 0,
Then what is the root? Then root is our S1, S2 is minus 1 plus minus under root 1. So this should be minus 1 plus minus 1. So this comes out to be 0 comma minus 2. अगर हमने root को k बराबर 0 put किया है, तो हमारे roots क्या आ गए? 0 comma minus 2. Okay. So now if I put k equals to 0.5, then what is roots? Root is S1, S2 equals to minus 1 plus minus under root 0.5. So this should be equal to minus 1 plus minus 1 by root 2 minus 1 plus minus 0.707. So this should be minus 1.707 and minus 0.3. Minus 1 plus 0.7 kitna ho jayega? Minus 0.3. And if I put k equals to 1, if I put k equals to 1, then S1, S2 equal to k. Agar hum yahan 1 put kar denge, to 1 minus 1 kya jayega? 0. To dono roots hamare kya jayenge? Minus 1 comma minus 1. Next, if I put k equals to 2, then root should be S1, S2 barabar minus 1 plus minus under root 1. So this should be minus 1 plus minus j. And if I put k equals to 3, then S1, S2 equal to minus 1 plus minus under root minus 2. So kitna jayega? Minus 1 plus minus root 2 j. If I put k equal to 4, then root should be S1, S2 barabar minus 1 plus minus under root minus 3, minus 1 plus minus root 3 j. Okay. And if I put k equals to infinity, then roots are S1, S2 barabar minus 1 plus minus j infinity. So I have calculated the roots by varying the value of the k from k equals to 0 to k equals to infinity. Okay, got it. तो हमने सारे roots find out कर लिए हैं. अब इन सारे roots को अगर अपन locate कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? Root locus. So let's draw the root locus. So if I put k equals to 0, then what is the root? Root is 0 and minus 2. So these are the two roots when k equals to 0. And when I put the value of k बराबर 0.5, then roots are minus 0.3 and minus 1.7. Next, when I put the value of k equals to 1, then what is the root? Roots are minus 1 comma minus 1. Dono roots kya ho gaye the? Equal. Then when I put the value of k equals to 2, then roots are minus 1 plus j, here minus 1 plus j, and here minus 1 minus j. And then if I put the value of the k equals to 3, then root comes out to be minus 1 plus root 2j and minus 1 minus root 2j, here, and if I put k equals to infinity, then root will be minus 1 plus j infinity and minus 1 minus j infinity. So if I join all these points, then this is called our root locus. So I am going to join in the red color. Okay, so this is our root locus. This red color, this branch will go like this. Okay, and this branch will go like this. So this is our root locus in red color. If I vary the value of gain k from k equals to 0 to k equals to infinity, pe hamare roots kya hai? Minus 1 plus j infinity. K barabar infinity pe hamare roots kya hai? Minus 1 plus j infinity or minus 1 minus j infinity. Okay, so I hope aapko ye samajh mein aaya hoga ki ye humne maine aapko sirf basic bataya ki what do you mean by root locus. Root locus hamara hota क्या है कि जब हम यहां पर गेन k को वेरी कराते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ओके, तो हर बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालो, उन सारे पॉइंट को मिला दो, तो क्या आ जाएगा? रूट लोकस. अब आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमारी जो भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है वो अप टू किस ऑर्डर तक वो सॉल्वेबल है. तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो वो अपन सॉल्व कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या लगा के, c दरअसल चार लगा के. लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर की हो गई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो सपोज यहां पर ये मेरा क्या था? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी. यहां पर ये मेरा क्या था? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी. इसको अपन ने श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लिया था, तो इसके रूट्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए. सपोज ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होती तो हर बार गेन के को वेरी करके हमारे तीन रूट आते. क्या वो तीन रूट हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? क्या हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ कौन से ऑर्डर तक की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? सेकंड ऑर्डर तक की। तो जब थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन के हम रूट्स ही नहीं निकाल पाएंगे, जब रूट्स ही फाइंड आउट नहीं करेंगे तो रूट लोकस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए कुछ टेक्निक आई, ठीक है। एक ईवान साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल्स दिए कुछ, उन रूल्स की हेल्प से, उन रूल्स की हेल्प से अपन क्या ड्रॉ करते हैं? अपना रूट लोकस। तो वो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो ईवान ने सबसे पहला जो रूल दिया था, ईवान्स मेथड। तो ईवान ने पहले क्या बोला था कि हमारी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमारी जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या थी? 1 प्लस जी एस एच एस बराबर 0। हमें इसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट का लोकस को ड्रॉ करना है। तो इसमें जी एस एच एस की वैल्यू किसके बराबर होगी? जी एस एच एस की वैल्यू बराबर होगी -1 के। तो ईवान ने दो क्राइटेरिया दिए, कौन कौन से? एक मेरा था मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, और दूसरा बन वाला था हमारा क्या? एंगल क्राइटेरिया। एक मेरा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया था और एक मेरा क्या था? एंगल क्राइटेरिया था। तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में ईवान क्या बोले? मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में ईवान ने बोला था कि मैग्नीट्यूड जी एस एच एस, मैग्नीट्यूड जी एस एच एस हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। मैग्नीट्यूड जी एच एस हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। क्योंकि अगर हम जी एच एस बराबर -1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 का। और एंगल जी एस एच एस, एंगल जी एच एस हमारा किसके बराबर होना चाहिए? एंगल जी एच एस हमारा बराबर होना चाहिए -1 का। एंगल क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू मेरी किस क्वाड्रेंट में आएंगी? अगर मैं ये सिग्मा वर्सेस जी ओमेगा है तो नेगेटिव वैल्यू मेरी इस क्वाड्रेंट में आएंगी। ये मेरा एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कितना होता है? 180 या -180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। ओके, तो इस पे आएगा ये पॉइंट -1 है, -1 यहां कहीं आएगा, तो इसका एंगल क्या लिखोगे? 180 या -180, क्योंकि किसी भी एंगल में अगर आप 360 जोड़ दें या 360 घटा दें तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 180 में 360 घटा दूं तो वो कितना आ जाएगा? -180 डिग्री। तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एंगल इसका क्या लिखोगे? प्लस माइनस कितना आएगा? हाँ, ये एंगल मेरा आएगा प्लस माइनस के, ये आएगा प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2q+1। ओके, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अगर 180 डिग्री हो और उसमें अगर मैं 360 बार बार जोड़ता जाऊं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट लोकस मेरा जहां जहां लाई कर रहा है, रूट लोकस जहां जहां लाई कर रहा है, वहां वहां जी एस एच एस का हम किसको यूज करेंगे? जी एस एच एस हमारा क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जहां जहां रूट लोकस लाई करेगा वहां वहां जी एच एस एस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और एंगल ऑफ जी एच एस किसके बराबर होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ये ईवान ने दो क्राइटेरिया दिए थे। इन क्राइटेरिया पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मेरे को जी एच एस दे दिया गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फिर मेरे से एक पॉइंट पूछा गया, सपोज एस बराबर एस पर मेरा पॉइंट है, तो टेल मी कि ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं करेगा। तो वो कैसे चेक करोगे? उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए जी एच एस का? 1। और एंगल जी एच एस का क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये चीज मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूं। अभी मैंने ये क्वेश्चन किया था यहां पर आपको, ठीक है, ये मैंने रूट लोकस ड्रॉ किया था। तो हमें पता है ये -1 प्लस जे पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तो ये चेक करते हैं क्या इस पे एंगल ऑफ जीएसएचएस, ये हमने जीएसएचएस क्या माना था यहां पर जीएसएचएस हमने माना था जो, वो क्या था? के बाई एस इंटू एस प्लस 2। कहता के बाई एस इंटू एस प्लस 2। अगर मैं इसका एंगल लिखूं, एंगल ऑफ जीएसएचएस लिखो, तो किसके बराबर होगा? अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एंगल क्या हो जाते हैं? ऐड। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो एंगल क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर के वाई एस है, के का एंगल तो 0 होगा, तो इसका एंगल क्या होगा? -एंगल एस प्लस 2। क्या लिखोगे? -एंगल एस प्लस 2। तो हमें किस एस को चेक करना है? -1 प्लस जे, क्या ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमें चेक करना है एंगल ऑफ जी एस एच एस एट एस बराबर -1 प्लस
जे, क्या चेक करना है? एंगल ऑफ जी एस एच एस एट एस बराबर माइनस वन प्लस जे, तो एक इसके इक्वल टू लिखोगे, यहाँ पर एस की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस वन प्लस जे, माइनस वन प्लस जे प्लस टू. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस वन प्लस जे एंड माइनस वन प्लस जे. तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, ये एंगल, अगर आप यहाँ पर एंगल गलत लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत. तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगा, जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा. बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स का ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाता भूल जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर वो भूल गए होंगे तो मैं आपको वो चीज रिवाइज करा देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर आज आपको बताता हूँ थोड़ा सा, फिर इस पर मैं वापस आता हूँ कि सपोज a प्लस जे बी है, a प्लस जे बी हमारा एक नंबर है, a प्लस जे बी हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है और एक पोलर फॉर्म होती है. ये हमारी कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है. इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल इसका कितना होगा, इसका एंगल होगा टेन इनवर्स by a. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल टेन इनवर्स b by a. अगर मेरा ये हो जाए माइनस a प्लस जे बी, मैं यहां पर आपको बताता भी जाऊंगा, a प्लस जे बी मेरा पॉइंट यहां पर था, तो इसका मैग्नीट्यूड ये, एंगल ये, ठीक है. माइनस a प्लस जे बी रियल पार्ट नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया. अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एंगल कितना हो जाता है, 180 माइनस टेन इनवर्स बी वाई ए. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली स्टूडेंट यहां पर गलती कर देता है, वो माइनस ए प्लस जे बी का एंगल क्या लिख देता है, माइनस टेन इनवर्स बी वाई ए, जो कि परफेक्टली एंड परफेक्टली क्या है, रॉन्ग. माइनस ए प्लस जे बी का एंगल क्या होता है, हमेशा मेरा 180 माइनस टेन इनवर्स बी वाई ए. नेक्स्ट हमारा होता है माइनस ए माइनस जे बी, माइनस ए माइनस जे बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल कितना होता है, 180 प्लस टेन इनवर्स बी वाई ए, ये यहां पर आ गया. और नेक्स्ट हमारा होता है a माइनस जे बी, ए माइनस जे बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल इसका, ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो क्लॉकवाइज एंगल को अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, तो इसके एंगल को हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स बी वाई ए. तो चार कॉम्प्लेक्स नंबर है, चार डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन चारों के मैग्नीट्यूड हमारे क्या है, सेम. चारों के डिफरेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंगल. ए प्लस जे बी का एंगल कितना होता है, टेन वर्स बी वाई ए, माइनस ए प्लस जे बी का एंगल होता है 180 माइनस टेन वर्स बी वाई ए, माइनस ए माइनस जे बी का एंगल होता है 180 प्लस टेन वर्स बी वाई ए, और ए माइनस जे बी का एंगल कितना होता है, माइनस टेन वर्स बी वाई ए. तो ये आपको पूरी की पूरी कंट्रोल सिस्टम में ये चार पॉइंट आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, चाहे वो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट हो, चाहे वो आपका पोलर प्लॉट हो, चाहे वो आपका बोडे प्लॉट हो, चाहे वो आपका रूट लोकस हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चारों की चारों. एंगल आपको कभी भी कोई भी गलत नहीं लिखना है. अगर आपने इसका एंगल नेगेटिव कर दिया, 180 माइनस टेन इनवर्स बी वाई ये नहीं लिखा, तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो गया. स्पेशली रूट लोकस, नाइक्विस्ट और पोलर प्लॉट, ये तीनों ही टॉपिक में ये वाली चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाली है. नेक्स्ट मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि मान लो एक्स मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कुछ इस टाइप का है, ए प्लस जे बी, सी प्लस जे डी, ए बी सी डी, ई प्लस जे एफ और पी प्लस जे क्यू. ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस फॉर्म में लिखा है, ए प्लस जे बी, सी प्लस जे डी, ई प्लस जे एफ और पी प्लस जे क्यू. ये मेरा एक्स मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे को इसका क्या निकालना है, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, अगर हमें एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और मैग्नीट्यूड को डिवाइड. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हैं, तो ओवरऑल का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा. एक चीज तो आपको यह याद रखनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली अपन ट्वेल्थ क्लास में क्या करते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, फिर फाइनली ए प्लस जे बी के फॉर्म में लाते थे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वैसा हमें यहां पर नहीं करना है, हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं करना है. इसका मैग्नीट्यूड लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, इसको लिखो. कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है तो मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो. नेक्स्ट बात आती है हमारे एंगल की. अगर मैं इसका एंगल लिखूं तो इसका एंगल कितना होता है, ए प्लस जे बी का टेन इनवर्स बी बाई ए और प्लस टेन इनवर्स डी बाई सी. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं
दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के एंगल इंडिविजुअल एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसका टेन वर्स बी बाई ए और इसका एंगल क्या है, टेन वर्स डी बाई सी। यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका क्या लिखोगे, माइनस टेन इनवर्स एफ बाई ई एंड माइनस टेन इनवर्स क्यू बाई पी। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल एक्स। ये आपकी चीज है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंगल ऐड हो जाते हैं, डिवाइड होता है तो कॉम्प्लेक्स एंगल क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और फेस आपको कैसे निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो अगर आपको इतना पता है तो रूट लोकस में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन वहीं पर वापस आते हैं जो मैं वहां पर जो छोड़ के आया था। हाँ, यहां पर मैं ये छोड़ के आया था माइनस वन प्लस जे। अब यहां पर अगर मैं माइनस वन प्लस जे का एंगल लिखूंगा, माइनस वन प्लस जे का एंगल लिखूंगा तो कितना आएगा ये माइनस, और माइनस वन प्लस जे का एंगल क्या होगा, 180 माइनस टेन इनवर्स वन, और इसका एंगल कितना होगा, ए प्लस जे बी का टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 180 टेन इनवर्स 145 माइनस 45, तो ये कितना आ गया, माइनस 180 डिग्री। तो इस पॉइंट पे हमारा जीएचएस का एंगल कितना आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आ रहा है कि नहीं। इट मींस दैट एस बराबर माइनस वन प्लस जे लाइस ऑन द रूट लोकस। इट मींस दैट एस बराबर माइनस वन प्लस जे लाइस ऑन द रूट लोकस। ओके, क्लियर है, गॉट इट? तो ये पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन गेट में जो या आईपैड वगैरह में जो भी एग्जाम है आपके, जितने भी टेक्निकल एग्जाम से जहां जहां टेक्निकल पूछा जाता है उसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है, ये अपन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया, ये पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा कि नहीं, उसको कैसे निकालोगे, एंगल चेक कर लिया वहां पर। अब वो के बताओ जिस के लिए ये रूट आएगा, वो के बताओ जिस के लिए ये रूट आएगा। तो इसके लिए अपन कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, इसके लिए अपन यूज करते हैं अपना मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ जीएसएचएस को अपन क्या पुट कर देंगे, वन के इक्वल। किस पॉइंट पे, क्योंकि एस बराबर माइनस वन प्लस जे हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तो हमारा जीएसएचएस क्या था इस केस के लिए, जीएसएचएस हमारा था के बाई एस इंटू एस प्लस टू। तो हमारा आएगा के बाई एस की जगह पुट करोगे माइनस वन प्लस जे इंटू माइनस वन प्लस जे प्लस टू। इस पूरे का मॉड को उठा के किसके बराबर पुट कर दो, वन। तो अब इस पूरे का मॉड लेंगे, तो मैंने आपको मॉड लेना बताया तो मॉड कैसे लोगे पूरे का, अलग अलग के मॉड से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो के का मॉड क्या होगा, के ही होगा। नीचे वाले का माइनस वन प्लस जे का मॉड क्या होगा, अंडर रूट टू। माइनस वन प्लस जे टू माइनस वन, वन प्लस जे का मॉड कितना होगा, अंडर रूट टू बराबर वन। तो यहां से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, टू। तो के बराबर टू के लिए हमारा जो रूट आएगा वो कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, माइनस वन प्लस जे, जो रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो के बराबर टू पे, के बराबर टू पे जो हमारा रूट आया था वो क्या आया था, माइनस वन प्लस। तो कोई भी पॉइंट, अगर रूट लोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी आज अपन ने कि कोई भी रियल पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा, कोई भी रियल नहीं, एनी पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा, तो उस पॉइंट पे एंगल ऑफ जीएचएसएस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और अगर वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जीएचएसएस को उठा के किसके बराबर पुट कर दो, वन के। तो हमने ये दो बातें सीखी किसमें, रूट लोकस में, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना आगे अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस में। रूट लोकस तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसका मैंने आपको एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि रूट लोकस होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, ड्रॉ किस लिए किया जाता है, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी, अभी आगे आप पढ़ोगे कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट पे। तो उसी के सारे रूट्स अपन निकाल लेंगे। स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, अगर सारे के सारे रूट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। कोई भी रूट आरएसपी में चला जाता है तो क्या होता है, अनस्टेबल। तो हमें रूट लोकस से पता चल जाता है कि अगर सारे के सारे रूट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है या नहीं, और अगर लाई कर रहा है तो किस के लिए लाई कर रहा है। तो आगे अपन इस क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में। तो मैं आपको फिर से बताना देना चाहता हूं कि हमारा जो iPATE, ये हमारा एक प्रकार का डेमो लेक्चर था रूट लोकस के बारे में, मैंने आपको बताया, तो आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी, आपको रूट लोकस का बेसिक आइडिया पता चला होगा कि रूट लोकस होता क्या है। ठीक है, रूट लोकस कहां कहां लाई करता है, उसके क्राइटेरिया क्या है, एंगल क्राइटेरिया और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या है। तो iPATE का जो हमारा बैच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को आईपैड मेरे अकॉर्डिंग देना ही चाहिए, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि उसको एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब लगे तो उसको आईपैड का एग्जाम जरूर देना चाहिए। वो आईपैड के थ्रू वो किसी भी एमएनसी में, जो टॉप एमएनसी है आईपैड में, नियरली 91,000 प्लस एमएनसी इसके साथ में है, तो उस 91 प्लस एमएनसी में आप आईपैड के थ्रू जा सकते हैं। तो आईपैड के लिए, बच्चों की तैयारी के लिए हम यहां पर निम्बस जो है पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 25th of March। तो जो भी स्टूडेंट आईपैड की तैयारी करके कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो वो एक बार ये जो आईपैड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो क्लासेस जरूर लें। उन क्लासेस से आपका आईपैड में सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटीड सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा कि आईपैड में पूछने वाला है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।